आज बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जापान के बारे में और बताऊंगा कैसे आप अपने खर्चे को कर सकते हैं मिनिमम और अपने कमाई को कर सकते हैं मैक्सिमम। और इतना ही नहीं, बताऊंगा इंडिया से जापान आने तक का खर्चा क्या है स्टूडेंट वीजा के लिए ऑब्वियसली, और बहुत सारे टिप्स दूंगा, लास्ट तक देखिएगा जरूर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। दोस्तों हवा इतनी अच्छी से चल रही है कि मैं भूल गया हूँ कि समर वैकेशन चल रहा है अभी। और बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बिना किसी देरी के, क्योंकि बहुत ही सारे चीज़ें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं लिख कर आया हूँ, मैं नोट बना के आया हूँ मेरे मोबाइल में, और शुरू करते हैं। जैसे कि अब कॉस्ट के बारे में जब कोई भी बात आती है तब सबसे पहले तो बात ही आती है घर की, खाने की, ट्रैवल मतलब ट्रैवल एक्सपेंस भी कभी कभार होता है, मतलब कहीं पे घूमने चले गए, कहीं पे क्या कर दिया है ना, और ट्रांसपोर्टेशन की ऑब्वियसली, और एक्स्ट्रा कुछ खर्चा होता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कवर कर लेते हैं हम स्टूडेंट वीज़ा में आने वाले लोगों के लिए जो कॉस्ट रहेगा ना, टोटल कॉस्ट उसके बारे में। इससे पहले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिए और यहाँ पे आ जाइए जल्दी जल्दी, और हम बात करेंगे कैसे आपके खर्चे होंगे मिनिमाइज और आपके कमाई होंगी मैक्सिमाइज। पहले बात कर लेते हैं कॉलेज की। कॉलेज होगा रफली 350,000 से लेकर 400,000 तक। ये अब मैं जो भी अंक बताऊंगा वो भारतीय शुल्क में बताऊंगा। अगर मैं कभी मतलब जापनीज येन में बताना शुरू करूं तो मैं पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो पहले है 350,000 रुपये से लेकर 400,000 रुपये तक एक साल की कॉलेज फ़ी होगी, जो कि मैंने बताई है फॉर फुकुओका प्रोविंस। बात कर लेते हैं फुकुओका के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग टोक्यो के बारे में बात करते हैं। टोक्यो के बारे में भाई साहब आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी, फुकुओका बारे में नहीं मिलती है। फुकुओका आपके बारे में मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, आउट ऑफ 10 सिटीज़ इन जापान फुकुओका टॉप 10 में तो आती ही है, टॉप 10 में तो आती है, पक्का आती है। वो आई थिंक फिफ्थ में भी आ जाए लेकिन फिर भी टॉप 10 में तो आती है। और जो भी ये क्योतो, टोक्यो, ओसाका बहुत ही ओवर हाइप्ड हो गई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, इतनी जगह सब एक ही जगह में आओगे क्या? फुकुओका को भी एक्सप्लोर करो। मैं इसलिए आज फुकुओका को रेफरेंस लेकर बात करूँगा, ठीक है। बाकी आपको मैं बताता चला जाऊँगा। फुकुओका में अगर आएंगे तो आपका ये बेसिक सा चार्ज होगा, फी होगा कॉलेज के लिए। अब अगर एक्स्ट्रा जो भी होगा, अगर आप है ना कपड़े खरीद लेंगे, इधर उधर का एक्सपेंसेस होगा, तो मैं उसको रफली 10-20,000 में गिन लेता हूँ, ठीक है। वो प्लस कीजिए और उसके बाद प्लस कीजिए आपके फ़्लाइट का। देखिए मैं फ़्लाइट का फिक्स नहीं बता सकता, क्योंकि आप किस टाइम पे बुक करेंगे और किस एयरलाइन में बुक करेंगे और उससे लेकर आप किस महीने में आएंगे, इसका भी ये डिफरेंट कॉस्ट होगा, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, फिक्स प्राइस नहीं बताऊँगा। लेकिन हाँ, मैक्सिमम होगा तो 35,000, मिनिमम होगा 15,000-20,000 में तो आ ही जाएंगे आप, है ना, उसको प्लस कीजिए। और अगर आपको डिटेल में जानना है किस महीने में आना चाहते हैं तो आप गूगल फ्लाइट्स में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, चेक इट आउट। और फ्लाइट का हो गया, और मतलब कभी भी मतलब फॉरेन कंट्री में आते हैं ना तब हमें दिक्कत ये रहती है कि क्या अगर मैं इतना ठीक इतना लेकर जाऊंगा तो क्या ये ख़त्म हो जाएगा, है ना, डर रहता है सबको, तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर जाना पड़ता है कहीं पे भी, इसलिए 10-20,000 वहाँ पे ऐड कर देते हैं। और मैं एक लिस्ट देख लेता हूँ पहले एक बार आपको बोलने से पहले, अगर इतना सारा ये जो भी अभी मैंने बोला है ना आपको, लैंग्वेज स्कूल का कॉस्ट हो गया, यहाँ पे मैंने लिख कर रखा है, लैंग्वेज स्कूल का कॉस्ट हो गया, फ़्लाइट का कॉस्ट हो गया, एक्स्ट्रा हो गया एक्स्ट्रा जो हमने बोला ना, और अपने पर्सनल खर्चे की बात कर ले वो भी मैंने 10-20 में गिन लिया था, बहुत ही महंगा मैंने बताया है, लेकिन मोटा मोटी ले लीजिएगा, और फ्लाइट का टिकट बोल दीजिए। अगर आप सस्ते में निपटाना चाहते हैं तो 400,000 से लेकर 450,000 में आप शायद जापान तक आ जाए, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम मोटा मोटी में जाते हैं 600,000 में चले जाते हैं, ठीक है, 650,000 में जाते हैं, मोटा मोटी में बोल रहा हूँ आपको, हम कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम 650,000 में जाते हैं, ठीक है, खर्चे के लिए स्टूडेंट के लिए। अगर आप इतना मेंटेन कर लेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी, अगर बच जाएगा तो वो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना।
अब हम बात करेंगे, आप यहाँ पे जापान में आ चुके हैं, शुशी लैंड कर चुके हैं और आए हैं आप फुकुओका प्रोविंस में। मैंने फुकुओका क्यों रेफरेंस लिया, मैंने बताया है बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में, मैंने बता दिया कि फुकुओका वन ऑफ द चीप प्लेस है, लेकिन टॉप 10 जापानीज सिटीज़ में भी आता है। मतलब आप ऐसा कीजिए कि टोक्यो जैसा वाइब भी आएगा, लोग भी बहुत सारे हैं और आपको सोलिडिटी पसंद है, अगर आप अकेले में रहना चाहते हैं, गांव वाले एरिया में रहना चाहते हैं, वो भी बहुत ही नज़दीक होता है, उससे समुंदर से लेकर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। टोक्यो मेरे हिसाब से तो टोक्यो इज़ ओवर हाइप्ड, स्पॉइलर अलर्ट है ना, लेकिन टोक्यो से ज़्यादा बेहतर है फुकुओका। और फुकुओका मैं रह भी चुका हूँ कुछ टाइम तक, इसलिए मैं रिकमेंड भी करूँगा पहले टाइम में आपको रहने में। अब बात करते हैं वहाँ पे खर्चे के बारे में, बेसिक से खर्चे, जो लोग जो भी आएगा स्टूडेंट, जैसे कि मैं सपोज़ मैं जब बिरजू, मेरा नाम है ठीक है, बिरजू जब आएगा तो वो सबसे पहले पूछेगा, भैया रेंट कितना है, रेंट कितने में दे रहे हो। अब आपको रेंट के बारे में मैं बताता हूँ, फुकुओका में अगर आप रहेंगे ना तो आपका रेंट होगा 60%, रेंट ही नहीं सारे एक्सपेंसेस होंगे 60% लेस देन इन टोक्यो। जी हाँ, ओवरहाइप्ड, इसलिए मैंने बोला 60% लेस देन इन टोक्यो, और जो कमाई होगा वो सिर्फ 30% लेस होगा, कमाई से ज़्यादा खर्चा कम हो रहा है ना, इसलिए ठीक ही है मेरे हिसाब से। फुकुओका ऐसे 15% से लेकर 20% तक का कम होगा और खर्चा हो रहा है कम 60% तक का, मेरे हिसाब से तो फुकुओका इज़ अ विन विन सिचुएशन। और पहले बात कर लेते हैं टोक्यो में, टोक्यो में अगर आप रहेंगे ना तो 70,000 से 80,000 का आपका रेंट का भाड़ा आएगा, है ना, रेंट आएगा, खर्चा आएगा, और उसमें से अगर आप दो जन के साथ बैठेंगे, है ना, तीन जन के बाद साथ बैठेंगे तो आधा आधा होगा, बंटवारा होगा ऑब्वियसली, उसके हिसाब से ले ले तो 30,000 तो आपको जैसे भी जितना भी लो कर ले आपको 30,000 तो आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। टोक्यो की बात करते हैं हम, है ना, ये रेंट की बात कर रहा हूँ, बिजली की बिल की, पानी की बिल की, है ना, सारे को सब चीज़ को मिक्स करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, घर में रहने से जो भी फी या फिर जो भी खर्चा आता है ना, उस सब को ऐड करके बोल रहा हूँ, ठीक है, रेंट को ले लिया, है ना, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा को ले लिया, पानी का बिल ले लिया, ठीक है, सब को लेकर हम बात कर रहे हैं। मोटा मोटी अगर आप दो जन एक ही रूम में बैठेंगे तो 30,000 तो टोक्यो में आपको आएगा, उसके 30% आपको लेस 60% आपको लेस करना है 18,000, इसलिए मैं मोटा मोटी कर देता हूँ 15,000 तक आप मेंटेन कर सकते हैं विथ, अगर आप मानो क्या कभी बार ज़्यादा खर्चा हो गया, ज़्यादा पानी मिल गया, ज़्यादा पानी का खर्चा आ गया, ज़्यादा बिजली का बिल आ गया तो ले लेते हैं 5,000 ज़्यादा ले लेते हैं, इसलिए 20,000 कंसिडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट बनता जाएगा, 20,000 फॉर रेंट इन फुकुओका। अब मोटा मोटी की बात करेंगे हम, ठीक है, इससे बहुत कम होगा फिर भी। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पे आके रेंट ले लिया, फूड, खाने का खर्चा क्या होगा भैया, खाने का क्या होगा, मतलब खाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं अभी के लिए आपको डिटेल में खाना का सारा नहीं बताऊंगा कि क्या 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 लेंगे, या फिर राइस इधर उधर, है ना, चपाटी सब बताने नहीं रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 10,000 मैंने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, 10,000 आपको फूड कॉस्ट में हमने लगा दिया है फॉर योरसेल्फ, एक ही बंदे के लिए फुकुओका में, अगर आप अच्छे से मेंटेन करेंगे, अच्छे से खाएंगे, मतलब एकदम पेट भर के खाएंगे, एकदम ही बिंदास तरीके से बाहर जाके खाएंगे तो बहुत ही खर्चा हो सकता है, वो मैं गारंटी नहीं दे सकता आप लोगों को, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं जो अपने हिसाब से खाते हैं, है ना, देसी नॉर्मल चीज़ तरीके से खाते हैं, जैसे कि चावल खा लिया, है ना, और घास फूस खा लिया, ऐसे ही खाते हैं तो दाल वगैरह, तो आपके लिए तो मैं तो 10,000 ही बोलूँगा, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है, 10,000 लेते हैं हम अभी। अगर आप एक्सपेंसिव बंदे हो तो मैं बता देता हूँ, ये प्लीज़ लिस्ट अगर कंप्लीट ये आपकी तरह से नहीं गया तो सॉरी, आप ज़्यादा खर्च करेंगे तो वो मैं नहीं बता सकता हूँ आपका क्या होगा, लेकिन ये है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही बड़ी टिप देता हूँ, कोई भी अभी आप कहीं पे भी जाके सर्च कीजिए, कोई भी नहीं बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन को आपको ऑलमोस्ट जीरो एन में लेके जा सकते हैं, कैसे, अगर आप ना ऐसे कंपनी में काम करें जिसमें आपको टेकी कहते हैं, यहाँ पे जो टिकट जो भी मंथली जो भी आपका खर्चा आएगा ना उसको पे कर देने वाले काम पे जाएंगे, तो आपको
मिल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो बेड मेकिंग कहा था वहाँ पे सुशी रो है और बहुत सारे कॉनबीनी है, कुछ कॉनबीनी देते हैं कुछ कॉनबीनी नहीं देते, इसलिए पहले ही इंटरव्यू में बात कर दीजिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा मिलेगा या नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्चा आराम से 20-30 हज़ार, 10 से लेकर 20-30 हज़ार तक खर्चा देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब कंपनी में डिपेंड करता है, हज़ार ये येन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इतना देते हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपकी सैलरी भी नहीं है। अब इसको आप खर्चा कर सकते हैं एक पास कराने में, एक मंथली पास बना दीजिए, उसको आप 10 हज़ार के अंदर अंदर बना सकते हैं और इन्जॉय। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं और आप नज़दीक में ही काम करना चाहते हैं और साइकिल में जाते हैं, या तो आप काम करते हैं जैसे कि मानो 10 किलोमीटर के अंदर अंदर काम करते हैं, साइकिल में गए, अच्छे से साइकिल खरीद कर वहाँ पे चले गए, तो आपका क्या होगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का फी का पैसा भी मिलेगा, वो बच जाएगा, और साइकिल में जा रहे हैं इसलिए नो खर्चा, जीरो एन, ठीक है, आपको जीरो एन नहीं, आपको जाने के लिए प्लस में मिल गया, प्लस 10 हज़ार या फिर प्लस 20 हज़ार में मिल गया, बहुत ही बड़ा बोनस टिप है, इसलिए लाइक कीजिएगा इसके लिए। और नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, बहुत सारा चीज़ लेके आया हूँ, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ मोबाइल में जाते हैं मोर एक्सपेंसेस, मैंने मोर एक्स्ट्राज में लग दिया है, मतलब एक्स्ट्रा मतलब कभी बार आई डोंट नो कुछ भी कर सकते हैं आप लोग मैंने सेफ्टी के लिए 10 हज़ार 20 हज़ार एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि अगर मानो कि कहीं पे घूमने चले गए मानो, या फिर व्लॉग बनाने के लिए कहीं पे मतलब शिनकानसेन में चले गए, शिनकानसेन का एक ही बारी में आपको 7,500 रुपये तक देना पड़ता है, 7,500 ब्लडी रुपये, व्हाट द हेल, सो इसलिए आपको रेडी होकर आना पड़ेगा। ट्रैवलिंग वैसे वो क्या कहते हैं, बुलेट ट्रेन एक प्रीमियम क्वालिटी सर्विस में ही आता है ना, इसलिए वो एक्सपेंसिव होता है। मेरी बात मानिए, अगर आप फ्लाइट में जाएंगे ना उससे शायद थोड़ा सा 7,000 में आकर हो जाएगा आपका, लेकिन बुलेट ट्रेन में आपको 7,500 मिनट लगेगा, इतना एक्सपेंसिव है बुलेट ट्रेन। और सबसे चीप तो बस है, बस में शायद वो 7,000 की जगह बस में 2-3 हज़ार, लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, नज़दीक में तो 200-300 बस का भाड़ा, प्रीफेक्चर अनुसार का डिफरेंस होता है, फुकुओका में चीप है, टोक्यो में थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। और हम जाते हैं बात मेन चीज़ की, बात कर ली हमने रेंट की, बात कर ली फूड की, ये बात याद रखिएगा, रेंट में मैं ये भी इंक्लूड कर रहा हूँ जो क्या कहते हैं बिजली का बिल और पानी सब कुछ ऐड करके मैंने 20,000 बोला है, वो मोटा मोटी 20,000 येन बोला है, मोटा मोटी उसका मतलब हुआ 11,000 रुपये, ज़्यादा अच्छे से ट्रांसलेट, ज़्यादा अच्छे से मैंने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि रेट कभी कभार 1.80 हो रहा है, कभी कभार 1.75 हो रहा है, इसलिए उसके हिसाब से कंपेयर होगा, ऑलमोस्ट आधा आधा कर देंगे ना तो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर से शुरू से बात करते हैं, रेंट के लिए आपको जो मैंने 20,000 जो लगाया था, 20,000 येन, तो उसका मतलब हुआ 11,000 रुपये। और हम बात करते हैं फूड के लिए जो मैंने लगाया था 20,000 करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा 20,000 करते हैं मोटा मोटी में, वो हो गया 10,000 रुपये। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऑलमोस्ट जीरो है, जो कि जीरो ही हो गया। और अगर आप ज़्यादा करेंगे तो जो तेकी के लिए आप अगर फ़ी लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, 10,000 में आ जाता है एक महीने के लिए, जो हुआ 5,000 रुपये, जो साइकिल से आप बता सकते हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको टिप दे दिया है, लेकिन फिर भी 5,000 रुपये वो भी ऐड कर देते हैं, छोड़ दो। और मोर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा के लिए 10,000 ऐड कर दे रहे हैं रुपये, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दे रहे हैं, क्या पता कभी कभार कुछ, क्या पता कल हो ना हो, कुछ हो सकता है कभी कभार, है ना, अपना हेल्थ इश्यू हो सकता है कभी कभार, इमरजेंसी कोई दोस्त मांग ले जाए, है ना, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए मैं 10,000 रुपये मैं एक्स्ट्रा कर दे रहा हूँ। तो लिस्ट है गए, ये हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से मेरे को लगता है ना आपका टोटल खर्चा ज़्यादा मोटा, उससे भी ज़्यादा लगा दिया तो भी 35,000 से लेकर 40,000 में आपका निपट जाएगा एक महीने में रुपये, 35,000 से 40,000 रुपये में आपका एक वन मंथ का कॉस्ट रहेगा। और अब बात करते हैं मेन चीज़ इनकम की। अरे भैया 40,000 तो मेरा खर्चे में आपने बोला मोटा मोटी जाएगा फुकुओका में, तो मेरा महीने में का कमाई कितना होगा रुपए में प्लीज़ बता दीजिएगा। चलिए भाई साहब मैं यहाँ पे हूँ, विनय भाई अभी जिंदा है भैया, मैं बता दूँगा, देखना मुन्ना ओए ऑगी देख,
अब देखो ठीक है, डेबिट पुत्रा अगर आप खरीदें, ठीक है सॉरी जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं आपकी अर्निंग के बारे में। बहुत ही फुल डिटेल मैंने कैलकुलेट करके लेकर आया हूँ यहाँ पे। आपको पता होगा 28 आवर पर वीक आप काम कर सकते हैं, उसका मतलब है एक ऑब्वियसली वन मंथ में 4 हफ्ते होते हैं ना, तो 4 हफ्ते में आप काम करेंगे ऑलमोस्ट 112, उसको 120 तक करते थे, 120 तक ज़्यादा बोलते नहीं हैं, फिर भी 120 कर लेते हैं, 112 ही कर रहे तो भी फुकुओका में सुशी रो नाम के रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है। सुशी रो है, एक सुशी का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे है आवरली वेज, 1 घंटे का देते हैं वो लोग 1050 रुपये, अनु सॉरी 1050 येन। और उसमें ये ध्यान रखिएगा, अगर आप 10 बजे के बाद काम करेंगे तो 1300 येन होगा, और अगर आप शनिवार को या फिर रविवार को और जो छुट्टी होते हैं ना यहाँ पे जापान की छुट्टियाँ वगैरह में अगर आप कम करेंगे, तब रेड इंडिकेटेड हॉलीडे नहीं होता जैसे कि हमारे यहाँ होता है, उसे ही अगर उस हॉलीडे में भी अगर आप काम करेंगे, OEY कहते हैं सेलिब्रेशन के डे में काम करेंगे, तो आपको 50 येन ज़्यादा होगा, उसका मतलब हो गया टोटल 1100 येन स्पेशल डे में, और नॉर्मल डे में 1050 है। सुशी रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सबकी बात नहीं कर सकता अभी, मैं इसलिए एक ही कंपनी की बात कर रहा हूँ। सुशी रो में अगर आप इतना मिलेगा तो आपका इनकम होगा एक महीने का 70,000 ले लेते हैं हम, 65,000 to 70,000, तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है, आराम से 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जापानीज येन में 1,20,000 तक मोटा मोटी 1,20,000 तक आपका हो जाएगा। लीगल वाला बता रहा हूँ, अभी बाद में मैं एक टिप भी दूंगा, बनिए रहिएगा लास्ट तक। अब 70,000 आपका हो गया, अभी आप देख लीजिए आपका कॉस्ट था 40,000 रुपये और आपका इनकम हो गया 70,000 रुपये, इसका मतलब 30,000 आपके पूरे के पूरे बच रहे हैं, पूरे के पूरे। अब आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बोनस पॉइंट देता हूँ। लोग यहाँ पे आके लीगल सिर्फ काम नहीं करते हैं, इलीगल भी करते हैं। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, अब ये किसी को बताइएगा नहीं, पूरे इंटरनेट में कहीं पे नहीं है, विनय भाई आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही कड़े रिसर्च करके। लोग यहाँ पे आकर करते हैं हैंड कैश जॉब। हैंड कैश जॉब का मतलब होता है आपको मनी पैसा मिलेगा सीधा हाथ में मिलेगा, बैंक में नहीं जाएगा तो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, कि पता तो उनको चलता है लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं कि आप काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। वो बोलेंगे कि अच्छा तू तो महीने में सिर्फ 112 घंटा कर रहा है ना, लेकिन उनको पता है फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। मैंने देखा है कि कुछ गवर्नमेंट ज़्यादा हाथ नहीं डाल रही है इमिग्रेंट्स को ज़्यादा काम करने में, शायद पॉपुलेशन कम है ना, इसलिए काम करने की रीजंस उन लोगों को भी चाहिए वर्कर, इसलिए दे रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं बहुत ही आसानी से। और लोग, मैंने जो भी बंदा मिला है 99% जो है वो करते हैं ये, और 1% जो बहुत ही अमीरो शहंशाह मुगल के खानदान के वो लोग नहीं करते हैं, लीगल काम ही करते हैं सिर्फ, कोई तो वो लीगल काम भी नहीं करते हैं, छोड़ दो उनके बारे में तो। लेकिन हम बात करते हैं ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं और आप अपने आप को सेफ कैसे रखते हैं। और ये डिपोर्ट का जो केस है ना, ये डिपोर्ट का केस अगर आप अच्छे से काम करेंगे और रूल को फॉलो करेंगे तो डिपोर्ट नहीं होंगे। मैंने देखा है कि जो भी डिपोर्ट हुए हैं 95% ये ज़्यादा काम की वजह से नहीं, दूसरे रीजन के वजह से डिपोर्ट हुए हैं। वो मैंने पहले वाली वीडियो में मैंने बात कर लिए, हाउ टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीज़ा इन जापान में मैंने बहुत ही सारी बात की है इसके बारे में, वो जाके ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, डिपोर्ट आप नहीं होंगे, सेफ रहेंगे और आप बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको बताते फिरेगा, नहीं बताना है ये बात, ठीक है, ये सिर्फ विनय भाई बोल रहे हैं आपके लिए। अब अगर आप कहीं पे बेड मेकिंग में गए या फिर आप कहीं पे काम करने गए, आपका कॉलेज मानो सुबह का है 2 बजे से लेकर मानो 5 बजे तक, 3 ही घंटे का होता है क्लास, मॉर्निंग में हुआ तो 9 से 12, सुबह में होता 2 से 5 अराउंड है इस, है ना, किसी किसी जगह में इधर उधर हो सकता है फिर भी मोटा मोटी वही है। और
अगर आपका मानो लेकर चलते हैं कि अगर आपका 2 से 5 बजे तक का कॉलेज है, तो मॉर्निंग के 9 से 12 या फिर 9 से 1 आप जा सकते हैं हैंड कैश जॉब में, जो कि कॉन्विनी भी हो सकता है, किसी भी रेस्टोरेंट भी हो सकता है जो हैंड कैश में देते हैं, और बेड मेकिंग जो मैंने बोला हाउसकीपिंग वो भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग तो आसान का काम करते हैं कॉन्विनी में, जो हैंड कैश, उन लोगों को इंटरव्यू में बोलना पड़ता है कि हैंड कैश मेरे को हाथ में ही पैसा दे दोगे, ठीक है ले जा, तो आपको हाथ में मिल जाएगा, बैंक को ज़्यादा पता नहीं चलेगा। अब क्या करना है आपको, वो काम सुबह में आपको मॉर्निंग में 4 घंटे करने, सिर्फ उससे आपके महीने में ऑलमोस्ट 1 लाख, कम से कम 1 लाख येन आ जाएंगे, उसका मतलब होता है 60,000 रुपये। और उसको ऐड कर दो, पहले वाले में आए थे लीगली आपको आए थे 70, अभी जो आपने हैंड कैश में किया है उससे आ गया है, जोड़ लीजिए कितना होगा, वो होगा वोपिंग 1,30,000 रुपये, रुपये नॉट येन, येन में तो 2,20,000 ऐसा ही कुछ होगा, रुपए में हो गया 1,30,000 रुपये। उसमें से आपका सिर्फ 40,000 जो एक्सपेंस था, बाकी के सारे आपके जो 90,000 है, ज़्यादा अगर आप कमाएंगे तो 90,000, शुरू में आते ही तो 90,000 तो सेविंग नहीं होगी ऑब्वियसली ऑब्वियसली, लेकिन शुरू में आते ही जो करते जाएंगे तो 2-3 महीने में, कभी कभार 6 महीने लग सकता है, उसमें आपके 1,30,000 डेली अर्निंग होगा स्टूडेंट वीज़ा में ही। फुल टाइम में तो वो आपको मिलेगा मिलेगा ज़्यादा, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में आपको इतना मिल सकता है। और बात करते हैं, मानो कि विनय भैया मेरे को तो लीगल नहीं, लीगल ही करना है, जो हैंड कैश वाली चीज़ मैं नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ लीगल करना चाहता हूँ, तो ठीक है उसके कैलकुलेशन बता देता हूँ। ठीक है, जब अगर आप लीगल काम कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंडिचर होंगे 1 महीने का 40,000 रुपये, और आपका महीने का कमाई होगा लीगली 70,000 रुपये, तो उसमें से आपके सेव होंगे 30,000, और है ना 30,000 होगा। और अगर आप ये लीगली को भी अगर छुट्टी हो गया, जैसे कि अप्रैल में समर वैके, जब भी अभी अभी समर वैकेशन हो रहा है, और बहुत सारे यासुमी होते हैं ना, मतलब हॉलीडे होते हैं, उस टाइम में आपको 40 आवर करने का मौका मिलता है, उसके हिसाब से आपके अर्निंग लगभग इंडिया के हिसाब से बोलूँ तो 90,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक की अर्निंग हो जाएगी आपकी, मोटा मोटी लीगली लीगली कर कर उसके हिसाब से आपकी 30,000 तो लीगली ही आपकी नॉर्मल तरीके से ही सेविंग हो रही थी, मान लेते 40,000 आपकी सेविंग हो रही है, तो भी आपके जो 1 ईयर में है 40,000 से, अभी अभी मैं आपको, मेरे को पता है कितना होता है, फिर भी आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि अगर आप महीने में 40,000, सिर्फ 40,000 सेव करेंगे और उसको आप 12 महीने तक करेंगे, तो आपको वॉपिंग कितना दिखाई दे रहा है, 4,80,000 आपकी सेव हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, सेव हो जाएगा, वो मतलब होता है कि आपके जो पहले ही साल में, फर्स्ट ईयर में ही आपके जो एक्सपेंसेस है निकल के आ जाएगी, सिर्फ अगर आप लीगली काम करेंगे तो, तब भी लीगली काम करेंगे तब भी आपकी जो एक्सपेंडिचर है तो निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर आप लीगल, मतलब जो मैंने बोला था आपको एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो आपका आई डोंट नो अराउंड 1,30,000 तक का कमाई होगा, और उससे आपकी सेविंग होगी 70 से लेकर 90,000 तक, उससे तो आपके तो मतलब फोड़ ही देंगे, आप तो 6 महीने 3 महीने में ही आप सारे अपने खर्चा उठाकर घर में भेज कर अपने पापा को बोलकर पापा दे दीजिए, जिस जिसने आपको लोन दिया था उन लोगों को दे दीजिए, भैया मैं मौज में हूँ इधर में, अगर आपको पैसा चाहिए तो बोलना, ऐसा करके। और आपके पापा पूछेंगे तो क्या कर रहा है तू जापान में, अमीरों की स्कीम लग गई है, विनय भाई ने बोला था 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल, ये क्या कर रहा है तू जापान में, ऐसा बोलेंगे पापा जी। इसलिए आप बेशक हो जाइए, आप अगर ऐसे आइडिया में चलेंगे तो आप ना तो फंसेंगे ना तो आप दुख होंगे यहाँ पे आकर, क्योंकि कम यहाँ पे आकर ज़्यादा, मतलब
ऑब्वियसली हम ज़्यादा कमाने ही आए हैं, तो यहाँ पे आकर बैठने से अच्छा 2-3 घंटा ज़्यादा काम कर लेंगे तो क्या ही आ जाएगा, है ना? तूफान तो नहीं आ जाएगा, ठीक है? टाइफू आज आने वाला था, वो भी नहीं आया क्योतो में, ठीक है? ऐसे हिसाब से आप बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही ज़्यादा कमा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सेव कर सकते हैं। और कंक्लूजन क्या आता है, फास्टेस्ट अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो, मेरे तरीके से ज़्यादा काम करेंगे तो 3 से लेकर 6 महीने में ही आप अपने पापा को पैसा लोन पे करने के लिए दे देंगे। और उससे भी अगर आपको लीगली काम करना है तो 1 साल के अंदर तो आप जैसे भी करके दे दे ही देंगे, ठीक है? अपने एक्सपेंसेस को काट कर, जापान में जो एक्सपेंसेस होगा उसको काट कर, ठीक है? और मोटा मोटी यही है जो उसके बाद कॉलेज का जो फी होगा उसके बारे में तो फिर से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बात करते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे मुझे, मैंने रफली देखा था, सरफेसली देखा था कि मैं नेपाली हूँ या फिर इंडियन हूँ। भाई मेरे बायो में मैंने 2-3 घंटा लगाकर वो बायो लिखा है, इतना सारे इमोजी यूज करके। प्लीज़ एक बार पढ़ लिया करो, जाकर एक बार देखो क्या है डिटेल, और मेरे को बोलना कमेंट में मैं क्या हूँ, ठीक है? खुद ही डिसाइड कर लो। और दूसरा आया था क्वेश्चन कि पापा का, मेरा जो मेरा पापा करते हैं वो काम, वो फार्मर हैं या फिर ऐसा काम है जिसमें टैक्स ज़्यादा पे नहीं करते हैं, तो उसमें क्या करूं? मैं कहता हूं कि फार्मर के लिए आई थिंक वो बताने से ही काम चल जाता है, और फार्मर के जो जो प्रूफ करें ना कि हम किसान हैं और हम ऐसे ऐसे तरीके से जी रहे हैं, वो चीज़ों को प्रूफ करने से मिल जाएगा आई थिंक वीज़ा। लेकिन अगर आप सेफ होना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि फार्मिंग के साथ साथ थोड़ा सा छोटा सा बिजनेस है हमारा, जिसमें हम है ना अनाज को बेचते हैं, उससे हमारा इतना इतना फ़ायदा आ जाता है कहकर किसी भी सरकारी ऑफिसर को पैसा देकर सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन फार्मर के लिए मेरे को नहीं लगता कि वो लोग मांगेंगे, है ना? ठीक है, मैंने पर्सनली तो ट्राई नहीं किया है इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को एक बंदी मिली थी जिसने बोला था कि मैंने तो ऐसा ऐसा, मतलब मेरे पापा एग्रीकल्चर फील्ड में हैं इसलिए हम ऐसा ऐसा करते हैं, हम बहुत ही बड़े अपने ज़मीन के पेपर, सॉरी ज़मीन कितना है उससे बोला कि ज़मीन कितना है वो दिखाया था। मतलब जो भी हो, मोटा मोटी हो, किसी ना किसी तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पापा आपको पढ़ा सकते हैं। मानो कि पैसा नहीं, आपको सपोर्ट, आप तो खुद ही कमा लेंगे, लेकिन फिर भी उनको दिखाना पड़ेगा कि अगर मैं नहीं कमा पाऊँगा तो मेरे पापा ऐसे ऐसे ज़मीन बेचकर भी मेरे को पढ़ाएंगे, ठीक है? उन लोगों को प्रूव करना है, इसलिए क्या कागजात है आप वो दीजिएगा। और अगर आपका टैक्स स्लिप नहीं आ रहा है तो कुछ भी करके अगर आप देंगे तो, ज़्यादातर मैंने सुना है, ठीक है, मैंने किया नहीं था, लेकिन अगर थोड़ा सा लोकल ऑफिसर को दे देंगे, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव को दे देंगे तो वो लोग आपको बनाकर दे देंगे। यही है मेरे को जितना पता था, और बाकी के डिटेल तो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को भी रिसर्च करना पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए तो विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यहाँ पर आके बहुत सारा मज़ा कीजिएगा, बहुत सारा पढ़ाई कीजिएगा, वहाँ पे आकर, वहाँ पे ही इंडिया में ही ज़्यादातर जापनीज सीख कर आइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।